हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ग्रुप्स पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ये ड्रेस बनाना सिखाने वाले हैं। इस ड्रेस में हमने पॉलिन का यूज किया है, यानी कि पराग का यूज किया है। तो काफी लोग होते हैं जिन्हें पराग का यूज करने में प्रॉब्लम आती है, तो आज की इस वीडियो में हम इस ड्रेस को भी बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ में आप ये भी सीख जाएंगे कि हमें पराग का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमें इस ड्रेस को बनाने के लिए किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से ड्रेस को बनाना। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है। सबसे पहले एक येलो कलर का बेस लिया है मैंने, 6 इंचेस का, यानी कि 2 नंबर का बेस लिया है। इसके बाद मैंने ली है पराग, इस तरीके से कुछ पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की पराग ली है, एंड कुछ व्हाइट कलर की पराग ली है। इसके बाद मैंने अपनी पराग से कॉम्बिनेशन करके इस तरीके से बेबी पिंक पेपर फ्लावर्स लिए हैं एंड व्हाइट कलर के पेपर फ्लावर्स लिए हैं। आप चाहें तो पेपर फ्लावर की जगह पर कोई भी बेबी पिंक और व्हाइट कलर का फ्लावर का यूज कर सकते हैं, बस उनका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। इसके बाद हमने लिए हैं इस तरीके से स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, एंड इस तरीके से बिल्कुल स्मॉल स्टोन्स जो हम फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिएगी फैब्रिक ग्लू एंड ग्लूगन। सो इस तरीके से हम बनाएंगे हमारी ड्रेस। सो अब हम हमारी ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाने पड़ेंगे पराग। तो हम लगाएंगे सबसे पहले पराग। हमारी कुछ पराग है, हम पिंक पराग से स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस तरीके से पराग के बिल्कुल एंड में इस तरीके से यहाँ पे हम ग्लू को लगाएंगे एंड अपने फर्स्ट पराग को इस तरीके से मिड में पेस्ट कर देंगे, एंड इसकी जो लीफ होती है, पत्ती होती है, इसको हम पीछे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से हमारी ड्रेस को बनाना। अब हमने हाफ पराग पर ग्लू क्यों लगाई है, इसका रीजन क्या है? हमने इस तरीके से हाफ पर लगाई है, फुल पराग पर नहीं लगाई। रीजन बीइंग, हम इस पराग को इस तरीके से उठाएंगे और इसके नीचे हम अपनी दूसरी पराग की जो डंडी होती है पीछे वाली, इसको इस तरीके से पेस्ट करेंगे। इसलिए हमने इस तरीके से हाफ पोर्शन पे ग्लू का यूज किया है, ताकि हम इजीली उसे उसके नीचे हमारी नेक्स्ट पराग की डंडी को, स्टिक को लगा सके। इस तरीके से हमने पहले पिंक लगाया, देन व्हाइट, एंड वापस पिंक। इस तरीके से हम अपनी पूरी ड्रेस पर पराग को लगा लेंगे। इस तरीके से पूरी ड्रेस पर हमने इस पराग को लगा लिया है। तो अब हम लगाएंगे हमारे फ्लावर्स, हमारे पिंक पेपर फ्लावर्स एंड व्हाइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पिंक पेपर फ्लावर्स लगाना, कुछ इस तरीके से। बोथ साइड्स हम पिंक पेपर फ्लावर को लगा लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हाइट। इसके बाद हम हमारा राउंड जो है पूरा व्हाइट से देंगे। इसके लिए हम थोड़े व्हाइट फ्लावर्स लेंगे एंड हम व्हाइट पेपर फ्लावर्स से पूरा राउंड लगाते हैं। ये हमने पिंक पेपर फ्लावर्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ भी एक फ्लावर इसके साथ जो है पहले लगाएंगे,
इसके बाद हम यहाँ पर पहले इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू टू के पेयर्स लगाकर देखेंगे थोड़े गैप में, बट हम ट्राई ये करेंगे कि हमारा गैप इक्वल हो। तरीके से हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इन्हें पेस्ट कर लिया है। अब हम लगाएंगे हमारे ये वाले स्टोन्स इन पेयर्स के बीच में कुछ इस तरीके से, अपने पेयर्स के बीच में इन स्टोन्स को पेस्ट कर देंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा इस तरीके के स्टोन्स को फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करना। उसके लिए आपके पास टू ऑप्शंस है, इधर आप मिड में एक लाइन में इन स्टोन्स को लगा सकते हो और यहाँ पे एंड यहाँ पे इस तरीके से टू लाइंस लगा सकते हो। मैं टू लाइंस लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। तरीके से हमने पूरा फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अभी हम मैचस्टिक की हेल्प से इसे पेस्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, इस तरीके से हमारी फैब्रिक ग्लू के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और इस तरीके से हमने अपनी पूरी ड्रेस पर इसे लगा लिया है और ये हमारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको इस ड्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इस ड्रेस को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जल्दी से जाकर फटाफट से वहाँ से ऑर्डर कर दीजिए। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी, मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे कि हमें कौन सी ग्लू स्टिक्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ग्लू स्टिक्स ऐसी है जो अच्छी है क्वालिटी वाइज। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्राउन की ग्लू स्टिक्स यूज़ कीजिए क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत फैब है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।